पढ़ते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को पढ़ने के बाद, जैसे नंबर सीरीज पढ़ लेंगे उसी के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, लेटर सीरीज पढ़ लेंगे, उसी के आधार पर, उसी की बेस पर, फिर उसी की बेस पर क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेंगे। मतलब चार पांच चैप्टर को एक कहीं में पढ़ लेंगे और आप इतना, मैं मुझे विश्वास है आप उस लायक हैं कि एक घंटे में चार से पाँच चैप्टर आराम से आप कवर कर सकते हैं, और आप लोग भी। ठीक, चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे लगा देते, जैसे 1 3 5 7 9। अगला क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, 11। रीजनिंग की शुरुआत है, सरल लगेंगे बेशक, मुझे क्रम दिखाई दे रहा है, मुझे माने आपको भी, क्या दो दो का क्रम बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, ठीक जिससे जिससे पूछेंगे वही बताएगा। दो दो का फिर ऐड हो रहा है, प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, माने 4 6 8 10 12। अगला क्या आएगा, दो दो का डिफरेंस है, समझ में आ गया, मिटाते रहे। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, आप लोग लिखते चलिए उसी क्रम में, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। आप खाली बोलेंगे नहीं समझ में आया, मैं समझा दूंगा। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, आप बताइएगा। 9 की 11, बैठ जाइए, वेरी गुड। ये वैसे तो लगता होगा विषम, कुछ लोग तुरंत 9 मारेंगे, लेकिन वास्तव में क्या होगा, 11 किस आधार पर, ये अभाज्य संख्या चल, क्योंकि 2 दे दिया पहले और 2 सबसे छोटी अभाज्य, 2 3 5 7 11, एक क्रम से दिया है, क्रम से अभाज्य संख्या दिया है, प्राइम नंबर की सीरीज दिया है। और कैसे पहचानेंगे, स्टार्ट 2 से किया, अगर ये 1 से स्टार्ट किया होता हम 9 भरते, किंतु 2 से स्टार्ट किया है, इसका मतलब किसकी सीरीज है, ये अभाज्य संख्या। ठीक, समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए मिटाए इसको। देखिए 28 30 33 38 52 क्वेश्चन मार्क, 28 30 33 38 52 क्वेश्चन मार्क। अब तुरंत क्या निकालेंगे, डिफरेंस क्या निकलेगा, किस, हाँ अब हम क्या निकालेंगे, यहां पे अंतर निकालेंगे, जब भी प्रश्न समझ नहीं आया तो अंतर, प्लस 2 प्लस 3 2 3 5 7 7 के बाद 9 11, अच्छा 11 होता, यहाँ 63 होता ना, 63। ठीक, यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह प्लस प्लस 13 कितना आएगा, 13 जोड़ेंगे तो 76। माने क्या बना, एक सीरीज बनी, किसकी, अभाज्य संख्या की सीरीज बनी। हमें यही देखना है कि कौन सी सीरीज फॉलो कर रही है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े। कोई नंबर बोलिए, संख्या कोई, कुछ ही बोलिए, 18 हम बोले थे, चलिए 18 27 30। अरे हम अपने बनाएंगे, आपको एक नंबर खाली बोलना है बस। इक्यासी तिरासी सत्तासी तिरानवे एक सौ एक क्वेश्चन मार्क। बहुत ईजी है, थोड़ा सा भी मैं सरल से कठिन तरफ चल रहा हूं।
आपको आ रहा होगा, हाँ सही है। ये देखिए नंबर वन सीरीज देखिए, अभी अभी टफ नहीं कर रहे हैं ना, अभी रीजन है, अभी स्टार्टिंग है ना। ये आगमन विधि है, शिक्षकों शिक्षण विधि है, ये सरल से कठिन की ओर। क्या हो गया ये, यहाँ प्लस प्लस चार प्लस दो प्लस चार प्लस छः, मतलब 81 में दो जोड़ा 83, फिर चार जोड़ा फिर छः फिर आठ फिर 10, माने इसमें क्रम बनता है, एक सीरीज बनती है, वही सीरीज आपको पकड़नी है कि कौन सी सीरीज यहाँ पे बनेगी। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए मिटा इसको। आप बताइए क्या लिखेंगे जी आप, अब्बास नाम है जी आपका, जी बताएं अब्बास जी। बैठ जी। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, उत्तर क्या होगा 25। डिफरेंस में भी आएगा, हाँ तो ये क्या था, कौन सा नियम था। ठीक, समझ में आया, वर्क एंड रूल था ये, मिलाइए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक कदम, एक आठ 27 64 125, ये क्यूब की सीरीज चल रही है। ठीक, चलिए यहाँ पे आएगा, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब। ठीक, एक सीरीज चल रही है, उसी सीरीज क्रम में हमें भी आगे, तो उत्तर आपका ठीक हो गया, आगे बढ़े। एक सौ एक, 109, 125, 149 क्वेश्चन मार्क, सही है, सही है आपका। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं यार देखिए, 100 में एक का वर्ग जोड़ा, फिर तीन का वर्ग, फिर पांच का, सात का, नौ का, विषम संख्या का वर्ग, सम संख्या विषम संख्या भी मैं ख्याल करते हुए चलना है। इसमें 100 में क्या किया, एक का वर्ग, फिर तीन का वर्ग, एक के बाद तीन विषम, पांच सात नौ ग्यारह तेरह, इस तरह चलता, ऑड नंबर इवन नंबर ये भी देखना है। हो गया, बड़े आगे, आपका शुभ नाम जी बताएं, सुजीत जी सही है, हाँ सही है, आप बताइए, अच्छा 0 3 8 15 24 क्वेश्चन मार्क, शर्मिला जी बताएं आप, अरे बाप रे बाप, हाँ हाँ देखिए,
एक का स्क्वायर माइनस एक, दो का स्क्वायर माइनस एक, तीन का स्क्वायर माइनस एक, चार का स्क्वायर माइनस एक, पांच का स्क्वायर माइनस एक, हाँ वैसे भी हो जाएगा, छह का स्क्वायर माइनस डिफरेंस में भी आ जाएगा। हाँ ये इजी है ना, इसलिए बता। समझ में आया? किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या? इसकी प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, चिंता ना करें, बस को समझते चलिए। निकालिए डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस करिए आप। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। आप भी ध्यान दीजिए, इस बार सरल ही क्वेश्चन देंगे। सही है, बताते रहिए। हाँ और सही पकड़े, ये देखिए ये स्क्वायर की सीरीज चल रही है, और ये है दो का क्यूब, चार का क्यूब, छः का क्यूब 200, और ये स्क्वायर एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, सात का स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन मार्क 18, 15, 36, 45, 54, 180 है, 180 क्वेश्चन मार्क। बहुत टफ नहीं किया मैंने? पंद्रह तिया पैतालीस, पंद्रह तिया पैतालीस और पैतालीस चौका गुड़े तीन गुड़े चार। ठीक, 45 होगा, कितना होगा? 60 होगा। कहाँ पे? एक गुड़ा, एक सीरीज गुड़ा की बढ़ रही है, एक सीरीज टेबल गुड़ज की। गुड़े दो, गुड़े गुड़े तीन, गुड़े चार, गुड़े पांच, गुड़े छह, गुड़े सात, हाँ इसमें नहीं समझ में आया ना? देखिए पहला क्या 18 का गुड़ज है, गुड़ज मैंने पहाड़ा। दूसरा क्या है, 15 तिया 45, 45 चौका 180, फिर 144 पच्चे 900 होता, अगली सीरीज 180 की 900 बनती है। गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े पाँच गुड़े छः, ये गुड़े एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार। ठीक, समझ में आया? ये उसकी ये सीरीज अलग, एक सीरीज अलग गैप करके है। ठीक, मैडा इसको समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्रिया खत्म हो जाएगा ध्यान। कोई डिजिट बोले, कोई बोलिए, कोई डिजिट। अरे छोटा मत बोलिए यार, चलिए हाँ सब वर्ग क्यों बोल रहे हैं? आओ कोई भी डिजिट बोलिए, कोई भी बोल, चलिए छान बोले लिए। हाँ
अब बताइए आप लोग, छानवे इक्यानवे इक्यासी छाछठ, हाँ चलिए सही है, कैसे हाँ माइनस पाँच कितना गया, माइनस बीस करेंगे तो ठीक, समझ में आया, किसी को डाउट आता है तो बताएं, कोई डाउट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और आगे बढ़े हाँ चलिए मिटा रहे इसको। प्रीति बोलिए कुछ नंबर, अस्सी, एक सौ बीस, एक सौ चालीस, एक सौ पचास क्वेश्चन मार्क, साफ साफ लिखते देखिए नहीं दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन है, अस्सी, एक सौ बीस, एक सौ चालीस, एक सौ पचास क्वेश्चन मार्क। हाँ सही है, हाँ अब देखिए, अब इसमें तीन थे, देखिए पहले क्या किया यहाँ, प्लस चालीस, प्लस बीस, प्लस दस, इसमें क्या किया, भागे दो, भागे एक सीरीज और बन रही, देखिए भागे दो, भागे भागे दो करेंगे कितना आएगा, पाँच, पाँच ऐड करेंगे एक सौ पचपन, समझ में आया, समझ में आया, चलिए अब इसकी प्रैक्टिस सेट भी हम देंगे पूरा पूरी, आपको बाजार से कुछ खरीदना नहीं, सब यहाँ से मिलेगा, कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लेनी, हम सब देंगे, खाली बस समझते चलिए, बस जितनी रफ्तार समझेंगे उतनी रफ्तार से, एक रूल बन रहा, देखिए पहले 40 जोड़ा, फिर 20, फिर 10, फिर 5, अगले बार 25 जोड़ता, बस आधा माने भागे दो, ठीक समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, चलिए बेटा आप अधिकतम नंबर बोलिए, आप बोलिए क्वेश्चन बना लेंगे, आप बोलिए खाली 30 बहुत छोटा बोल, चलिए लिखिएगा, हाँ क्या हुआ, छत्तीस जीरो छत्तीस, एक सौ चौवालीस, बारह छब्बीस क्वेश्चन मार्क, अगर विकल्प नहीं रहा तब देखिए, छत्तीस में गुड़े जीरो का स्क्वायर किसका, गुड़े जीरो का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे तो मैं जीरो लिखना चाहिए था, मैंने क्या किया, जो मेरा उद्देश्य यहाँ भी जीरो होना चाहिए था, तो जीरो जीरो हो जाता, चलिए यहाँ 36 से शुरू करना चाहिए था, चलिए मेरा उद्देश्य क्या था बताने का, मतलब मैं एक बार जीरो गुणा करता एक का वर्ग का, फिर दो के वर्ग का, फिर तीन के वर्ग का, फिर चार के वर्ग का, इस तरह गुणा करता हुआ चलता, ये मेरा उद्देश्य था, मतलब जब अंतर बढ़ने लगे तो कभी कभी वर्ग का गुणा कर देते, जैसे एक का गुणा किए, दो का स्क्वायर चार का गुणा करें, फिर नौ का गुणा किए, फिर 36 का गुणा किए, जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो वर्ग या घन का गुणा किया जाता है, समझ में आप लोग को, मैं वही बता चला लेकिन यहाँ गलती कर दिया मैंने, चलिए मुझे जीरो शुरुआत नहीं करना, एक शुरुआत करना चाहिए था तो सही हो जाता, 36 बोल दिया, 36 पे क्वेश्चन उठाते हैं,
छत्तीस चौहत्तर एक सौ पचास तीन सौ बत्तीस क्वेश्चन मार्क ठीक गुड़े दो प्लस दो गुड़े दो प्लस दो देखिए ध्यान दीजिएगा मल्टीपल टू प्लस टू मल्टीपल टू प्लस टू मल्टीपल टू प्लस टू मल्टीपल टू प्लस टू बस सीरीज बढ़ती जाएगी इधर सीरीज क्या होगी जी बैठ जाइए तो हमने क्या देखा एक सीरीज क्या चली गुड़े दो प्लस दो गुड़े दो प्लस दो गुड़े दो समझ में आ रहा है कोई दिक्कत कोई समस्या 332 दूना 664 प्लस दो 600 अच्छा 100 यहाँ 302 होना चाहिए था चलिए 302 302 चलिए अब किताब से तो पढ़ा नहीं रहे हैं ये क्वेश्चन लिखते रहे अगला सोचते रहते हैं ये तो है नहीं किताब से नकल मार के पढ़ा रहे फॉरगेटिंग इज द ह्यूमन नेचर हाँ नहीं दादी पागल नहीं हो जाएगा अब इसको इतना एंगेज रखे हैं ये बन रहा है सोच रहे अगला सीरीज क्या बनाए ये हो गया समझ में आ गया हाँ चलिए बेटा नंबर बोले कोई ज्ञानचंद जी बताएं कोई हाँ चलिए जब इनकी इच्छा है 51 ही ले लेते हैं बलर देते हैं 15 ले लेते हैं 15 ले लेते हैं उसको बता ले बलर देते हैं हाँ ठीक पंद्रह तैतीस सत्तर एक सौ चौवालीस दो सौ तिरानवे क्वेश्चन इसको किया क्या मैंने पहले पंद्रह दूना तीस तीन तैतीस तैतीस दूना छाटा मैंने हाँ गुड़े दो प्लस तीन हाँ चार पाँच छः क्रम से बढ़ाते गए ऐसे क्रम में आपको चलना है मैं आपको बस सिखा रहा हूँ ताकि परीक्षा में आपको ये विधि पता रहे कि ये इस विधियाँ से सवाल लग सकते हैं सर चार के बाद तो छः होगा ना जोड़ेंगे हाँ छः कितना जोड़े हैं कितना गया छः होगा फिर ये हो जाएगा छियालीस दूना बानवे बानवे और आठ तीन सौ 146 दूना कितना होगा 292 प्लस 8 300 चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन मार्क तो कितना हो जाएगा 300 दूना 610 ठीक ये सीरीज हो गई हाँ 7 दूनी 4 पहले देखिए पता नहीं कैसे 4 3 चार पाँच होना चाहिए था ना हाँ 145 होगा सॉरी यहाँ छः जुड़ेगा 145 दूना 390 नहीं ऐसे देखिए गुड़े दो प्लस तीन गुड़े दो प्लस चार गुड़े दो प्लस पाँच गुड़े दो प्लस छः तो 145 दूना 290 290 छः अरे बाप रे बड़ी गलती हुई चलिए कोई बात फिर गुड़े दो प्लस सात ठीक ये मेरा आपको क्वेश्चन लगवाने का कोई एक ही उद्देश्य है कि परीक्षा भवन में बैठने के बाद जब आपके सामने प्रश्न आए तो आपके दिमाग में इतने टाइप के रहे तुरंत लग जाए सड़ जाए इस तरह से लगेगा सिर्फ समझ में आ जाए बस कौन कौन से रूल लग सकते हैं कब जोड़ सकता है कब घट सकता है कब बढ़ सकता है कब भाग लगता है कब गुणज बनता है कब वर्ग होता है कब घन होता है इन सभी का प्रयोग हमने आपको करा के दिया इन सभी का प्रयोग हमें पुनः अल्फाबेट में करना है किसमें करना है वो भी करके हम लोग देख लेते हैं ठीक है लेकिन इसके लिए इतना ही है इसमें भी आता है गलत पद को चुनिए
उसको भी बता देते हैं कैसे लगेगा, लेकिन एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ेंगे तो फॉल हो जाएगा। इस नंबर सीरीज को ख्याल करिए, इसका प्रयोग अभी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग वर्णमाला क्रम पढ़ लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो शुरू करें वर्णमाला क्रम, फिर दोनों को जोड़ के एक साथ पढ़ेंगे, ठीक, और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, कोई समस्या नहीं ना, कोई क्रॉस क्वेश्चन?